और भाई पावर है इस गाड़ी में, लगता नहीं है कि आप 125 सीसी चला रहे हैं। तो एक छोटी सी राइड लेके आता हूँ नॉर्मल सी। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में भाई। इस गाड़ी पे पैसा खर्च करना वर्थ इट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे पैसा लगाओगे अगर आप लोग इस गाड़ी को लोगे तो। भाई अच्छी गाड़ी है, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें दिक्कत। तो है गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में नए दिन के साथ। बाकी गाइस आज हमारे पास है ये हमारी हीरो की नई एक्सट्रीम। सबसे पहले तो भाई इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि थोड़ी सी राइड लेके आते हैं इसकी। परसों चलो भाई, कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है। एग्जॉस्ट साउंड सुनो इसका, मस्त है ना। चलो एक छोटी सी राइड लेके आते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी सी, उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। भाई साहब हीरो वाले ने काम किया है इस गाड़ी के ऊपर, मतलब लगती नहीं है कि 125 सीसी की गाड़ी है। इसका बल्की लुक देख रहे हो, कितना बल्की लुक है इसका। है तो भाई बात तो है, 125 सीसी में इतनी तगड़ी गाड़ी निकालने वाली एक हीरो कंपनी है जो भाई इतने सस्ते रेट में मिल रही है। बोले तो 99,000 इसका वो है एक्स शोरूम प्राइस, ABS मॉडल, और IBS मॉडल है इसका 96 के अराउंड। तो गाइज अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी का रिव्यू देने के लिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास, जो कि थानों में पड़ता है। और ये है अपनी हीरो की एक्सट्रीम। पहली बात तो ये कि 125 सीसी लगती नहीं है, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरा दोस्त आया, वो बोल रहा भाई 300 सीसी की लग रही है गाड़ी, 125 तो लग ही नहीं रही है। ये इतनी बल्की गाड़ी है ना भाई, लुक भी बहुत धांसू है इसका, बहुत ही ज़्यादा धांसू लुक है इसका। और भाई इधर हीरो की बैजिंग दिख जाती है, यहाँ दोनों DRL कुछ DRL है देखो भाई, और नीचे इसकी LED है, वो दे रखे है प्रोजेक्टर टाइप। देखो स्टार्ट कर गए दिखते हो, ये बताएगा देखो इसकी पूरी डिटेल आपको। ये देख सकते हैं आप, ये दो प्रोजेक्टर दिख रहा है, ये LED प्रोजेक्टर है, और हाई बीम करेंगे तो हाई बीम भी काफ़ी अच्छा। हाई बीम में तो भाई ये मुस्कुराती है गाड़ी भाई। अगर चे भाई जो इसकी ग्रिल वगैरह दे रखी ना, ऐसा लग रहा है कोई सुपर बाइक होती है ना, उसके नीचे जैसी रेडिएटर ग्रिल्स होती है, वैसा कोई ग्रिल वगैरह दे रखा है इन्होंने। लुक इसका आगे से तो ऐसा लगता है तो केकड़ा टाइप का है। पीछे मिल जाता है आपको 120 mm का टायर, और आगे मिल जाता है आपको 90 mm का टायर। बाकी इसमें मिल जाती है आपको एक फ्रंट डिस्क, फ्रंट ABS मिलता है, पीछे वाला ABS नहीं मिलता। और डिस्क भी फ्रंट है, पीछे ना ABS है ना डिस्क है, बस पीछे है जो स्कूटी वगैरह में आते हैं ना, स्प्लेंडर वगैरह में नॉर्मल ड्रम ब्रेक, वो है इसमें। तो भाई अगर आप लोग राइडर लेना चाह रहे हो तो राइडर में बस ये है कि ABS नहीं मिलने का आपको, पर राइडर भागती है इससे थोड़ी सी, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत का फ़र्क है आगे पीछे वाला। बाकी इसकी LED स्क्रीन कुछ ऐसी है, देख सकते हो आप, थोड़ा सा ये ना धूप में दिखती नहीं है, रात को इसकी लाइट अच्छे से चमकती है। ब्राइटनेस का ऑप्शन भी है इसमें, 100% दिखा रहा है देखो ब्राइटनेस ना। तो स्प्रिंग TBT का इंजन मिलता है बाकी इसमें, और तो सडल गार्ड नहीं मिलता, साड़ी गार्ड मिलता है इसमें, जो कि अभी नया ही आया कुछ। और ये जो इंजन है ये पहली बार हीरो ने निकाला है, ये इसी गाड़ी के लिए निकाल रखा है स्पेशल ये इंजन ना। बाकी भाई लुक कुछ ऐसा है इसका, खतरनाक लुक है भाई, बोले तो लगती तो है, चीज़ है भाई खतरनाक, कोई बोलेगा नहीं आपको कि भाई 125 सीसी की गाड़ी है। तो भाई इसका जो है ना, ये दो वेरिएंट में आती है, एक आता है इसमें IBS मॉडल जो कि ऑफ रोड प्राइस एक्स शोरूम प्राइस है उसका 96, और ये जो है ये ABS है इसका एक्स शोरूम प्राइस है 99। ऑन रोड का वही है, 5 का फ़र्क है, 5,000 के आसपास। IBS का 116 पड़ता है, इसका 120 पड़ता है, तो भाई इतना फ़र्क है इसमें। बाकी तो रिव्यू चलाते चलाते पता चल जाएगा धीरे धीरे, भाई मेरे को इतनी खास आती नहीं है चलानी, तो धीरे धीरे जैसे मैं सीखूंगा तो उस हिसाब से बताता रहूंगा आप लोगों को कि क्या क्या है इस गाड़ी में खास बात। और भाई पावर है इस गाड़ी में, लगता है कि भाई, लगता नहीं है कि आप 125 सीसी चला रहे हैं। तो एक छोटी सी राइड लेके आता हूँ नॉर्मल सी। चलो गाइस चलते हैं, एक राइड लेके आते हैं छोटी सी। भाई पावर है इसमें,
मैं कोई, मेरे को इतना अच्छा प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं हूँ मैं, तो मैं इसका टॉप स्पीड नहीं बता सकता हूँ एकदम से। पर यह है कि भाई देखो नॉर्मली चला रहा हूँ मैं, चौथे गियर में 64 चल गई है। अच्छी गाड़ी है भाई, चीज़ बना रही है हीरो वालों ने, मज़ा आ रहा। कांच कुछ, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पे लोग ना दारू दूर पी के वो कर लेते हैं भयंकर, यहाँ पे कांच कूच की बोतलें फेंक के रखते हैं, कुछ सीन शॉट समझ में नहीं आता इनका। बाकी भाई मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में भाई, इस गाड़ी पे पैसा खर्च करना वर्थ इट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे पैसा लगाओगे अगर आप लोग इस गाड़ी को लोगे तो। भाई अच्छी गाड़ी है, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें दिक्कत भाई। 1,20,000 रुपये में, मतलब ये मान लो कि स्प्लेंडर भी अगर आप लोग किस्तों पे उठाते हो ना EMI पे, तो वो भी इतने की पड़ जाती है आपको, 1,20,000-1,30,000 तक तो पहुँच जाती है स्प्लेंडर वगैरह भी। तो भाई इसकी बात अलग है, 125 cc का इंजन मिल रहा है आपको और पावर मिल रही है आपको 150 cc की, तो भाई बात है इसमें। मज़ा आया भाई गाड़ी चला के, है भाई चीज़ बना रखी है। तो भाई आप लोग इसको, इसके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो बिल्कुल। ये हो गया है न्यूट्रल, अभी करते हैं इसको किल स्विच ऑफ ये। और भाई इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को DRL इनबिल्ट मिलते हैं, आपको बाहर से नहीं लगवाने पड़ेंगे, ये कंपनी के साथ ही मिलेंगे आपको। हज़ार्ड, सॉरी मैं DRL बोल रहा था, DRL एक्चुअली में ये होते हैं भाई। बहुत सेक्सी गाड़ी है, पूरा डायनासोर है डायनासोर। गाइस अगर आप इसे सामने से देखोगे ना, ये थोड़ा थोड़ा लुक ना G1000 की तरह लगता है इसका लुक, थोड़ा बहुत ऐसा ही है। इसका एक हेड जो LED सेटअप है ना हेड के साथ में, तो वैसे ही टाइप में लगता है G1000 की तरह, G1000 हो गया, डुकाटी की तरह हो गया। और गाइस इसका हॉर्न भी सुना देता हूँ आपको, हॉर्न भी बहुत प्यारा है भाई इसका, देखो बढ़िया हॉर्न है इसका। तो भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, आप लोग इसको खरीद सकते हो 1,20,000 रुपये में मात्र कैश, अगर आपके पास है तो कैश दे दो। बाकी EMI की भी वीडियो में बताऊंगा आपको, एक नई वीडियो बनाऊंगा EMI के ऊपर, अगर आप छोट कम से कम डाउन पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, तो उसकी बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। तो ठीक है गाइज, छोटी सी वीडियो थी हमारी ये आप लोगों को समझाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना। बाकी भाई आज की ये वीडियो हमारी एक्सट्रीम के नाम, और भाई अच्छा लाइक अच्छा प्यार देना, तो आगे ही ऐसी ऐसी वीडियो और बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो थैंक यू गाइज़।